गुरुतत्व वैश्विक मंच द्वारा आयोजित अने हिमालयना ऋषि अने समर्पण ध्यान योगना प्रणेता सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामीजीना सानिध्यमां चालती ऑनलाइन ध्यान शिबिर के जेमां देश विदेशना लाखों लोको भाग लई रह्या छे तेमां पूज्य स्वामीजीए एक प्रसंगमां जणाव्युं हतुं के तेओ ताजेतरमां ज्यारे एकांत ध्यान साधना हेतु कच्छमां आव्या हता त्यारे तेमने एक विशेष जाणकारी प्राप्त थई हती। ए बाबते तेमणे जणाव्युं हतुं के कच्छमां माताનो मઢ, રુદ્રાણી માતા મંદિર, રવેચી માતા મંદિર અને મોમાઈ માતા મંદિર આ ચારેય જગ્યા એક જ રેખા પર અને ચૈતન્યની એક જ ધારા પર સ્થિત છે અને ખૂબ જ ઉર્જાવાન છે। જો કે માતાના મઠ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે પણ બાકીના ત્રણ સ્થાનો એટલા જાણીતા નથી, એટલે તે વાતની જાણકારી શિબિરાર્થીઓ અને કચ્છના લોકોને આ મહાશિબિર દરમિયાન સ્વામીજીએ આપી હતી, જેથી એક સ્થાનની જેમ બાકીના ત્રણ સ્થાનના ચૈતન્યનો પણ લોકો લાભ લઈ શકે। ઉર્જા ગ્રહણ કરવા અંગે તેમણે એમ પણ સમજાવ્યું હતું કે આવા સ્થાન પર કંઈ માંગવા કે સમસ્યા હલ કરવા માટે ન જવું જોઈએ, બલકે ત્યાંના ચૈતન્યને ગ્રહણ કરવા જવું જોઈએ। ઇસ બાર રણ મેં જબ ધ્યાન સાધના થી તો ધ્યાન સાધના મેં એક બાત और ध्यान में आई, वह बात सब कच्ची भाई बहनों को इसकी जानकारी देना मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी को केवल एक ही स्थान मालूम था आज तक, माता का मढ़, माता का मढ़, माता का मढ़। सब लोग नवरात्रि हो तो भी माता का मढ़ जाते हैं, और जब मैं ध्यान साधना में बैठा ना तो मुझे ऐसा लगा केवल माता का मढ़ नहीं है, माता के मढ़ जैसे और कुछ स्थान कच्छ के अंदर है जिन स्थानों की एक श्रृंखला, एक लाइन बनी हुई है। तो मैंने क्या करा, अपना जो पुनड़ी का आश्रम है ना, वो पुनड़ी के आश्रम के मैनेजर है आसिफ भाई, उनको मैंने बोला एक कच्छ का मैप निकालो, और कच्छ का मैप निकाल करके माता के मढ़ से एक लाइन में कितना स्पेस आता है, कितना जगह आता है वो दिखा करके मुझे बताओ, तो उसी रास्ते पे हम ढूंढेंगे। उसके बाद में जब ढूंढना चालू किया तो जैसे माता के मढ़ से थोड़े आगे आए रुद्राणी माता का मंदिर है, वही वाइब्रेशंस, वही एनर्जी, वही ऊर्जा वहाँ पे है। उसके बाद में और सीधे आए रवेची माता का मंदिर है, वहाँ पे भी वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही स्थिति है। और उसके बाद में और आगे आए तो मोमई माता का मंदिर है, वही ऊर्जा, वही एनर्जी, यानी एक ही लाइन में ये जगह, ये स्थान आज तक कच्ची लोगों को भी पता नहीं है, वो भी वहाँ जाते नहीं होंगे, लेकिन एक अच्छी ऊर्जा के स्थान, एक अच्छे एनर्जी के स्थान कच्छ में चार स्थान हैं, और चारों स्थान में से एक ही स्थान की केवल लोगों को जानकारी है, वो भी जानकारी है, सब लोग गए ऐसा भी नहीं। तो ऐसे चारों स्थानों पे आप शांत चित्त होकर जाइए, वहाँ कुछ मांगने के लिए मत जाइए, नहीं तो तुरंत वहाँ भीड़ लगाने लग जाओ, मांगने के लिए मत जाइए, शांत चित्त होकर जाके बैठिए, कुछ भी मत मांगिए, शांत चित्त होकर के बैठ के वहाँ की ऊर्जा ग्रहण करें, वहाँ की एनर्जी ग्रहण करें। एक बार यात्रा निकालो ना, चारों धाम यात्रा करते हो, ये चारों धाम कच्छ में ही है, आप जाकर के देखो एक बार, चारों धामों पे, चारों स्थानों पे आपको ऊर्जा महसूस होगी, आपको एनर्जी महसूस होगी, लेकिन कुछ मांगने को मत जाना। देखो मैं ये बता रहा हूँ, उसको पूरा समझा करो, आधा अधूरा मत समझो, वहाँ जाकर के शांत चित्त होकर बैठ जाओ, वहाँ क्या ऊर्जा हो रही है, क्या एनर्जी हो रही है, आप उसको महसूस करो, और महसूस करके अपने भीतर भरो, तो आप महसूस करोगे ये चारों स्थान किसी सिद्ध पुरुष ने अपनी ऊर्जा स्थापित करने के लिए निर्माण किए हैं। चारों स्थानों में खूब जबरदस्त एनर्जी है, जबरदस्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का आसपास के लोगों को भी पता नहीं है, उसको संजोने की, उसको संभालने की, उसको वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। देखिए जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे जैसे एनर्जी ग्रहण करोगे ना, जैसे जैसे ऊर्जा ग्रहण करोगे, उसमें से ऊर्जा का प्रवाह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ एनर्जी का खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक आप रिसीव करने उसके कदरदान नहीं है कोई,
देने वाले कोई नहीं, देने वाले रहेंगे बराबर निकलेंगे, बराबर वाइब्रेशन आएंगे। मांगने वाले बनकर के वहां मत जाना, एनर्जी ग्रहण करने वाले बनकर के जाना, तो आपको उसका अनुभव होगा, आपको उसकी अनुभूति होगी। आप सब अनुभव लो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। इसीलिए देखिए, गुरु का एक स्वभाव है, गुरु अपने पास कुछ रह ही नहीं सकता, उसको जो भी ज्ञान मिलेगा, जो भी नॉलेज मिलेगा, जो भी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी तुरंत वो आप में बांट देगा, आपको दे देगा, और देने के बाद में आप ग्रहण करो नहीं ग्रहण करो वो आपका क्षेत्र है, वो उसका क्षेत्र नहीं है।